नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं आपका होस्ट नीरज। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर चल रही है जो मैंने अपनी स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है कि एआई में बूम है या बबल। ये आपने कई जगहों पे ये खबर हो सकता पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होगी तो जान लीजिए, क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे ऐसा लग रहा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इतनी बात हो रही है वो दरअसल एक बबल की तरह बनती जा रही है। कई सारे बड़े लोगों ने, जो इसका सबसे बड़ा नाम है सैम ऑल्टमैन, ने भी एक वार्निंग दी है। लेकिन इसको क्या सही में समझा जा रहा है कि एक बूम है या बबल है, इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक मिस इंटरप्रिटेशन की स्टोरी बनती जा रही है और कुछ हद तक इसमें ओवर वैल्यूएशन की सच्चाई भी है। तो इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि दरअसल ये हो क्या रहा है। तो एक MIT, जैसे आप जानते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा संस्थान है MIT, वहां पे एक स्टडी की गई। उस स्टडी में ये कहा गया कि 95% ऑफ जेन AI पायलट्स फेल टू डिलीवर फाइनेंशियल इंपैक्ट। यानी एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि 95% जो AI पायलट प्रोजेक्ट थे वो फेल हो गए हैं, उनका जो डिजायर्ड इंपैक्ट था फाइनेंशियल वाला वो अचीव नहीं हुआ है, केवल 5% प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए। एग्जैक्टली इसी हेडलाइन से बहुत सारी जगहों पे आप ये खबर देख रहे होंगे कि AI का बबल है, अब ये बस्ट होने वाला है। बबल क्या होता है, बूम क्या होता है, इसको समझना जरूरी है, और क्या सचमुच में ये एक बबल बन गया है, ये समझने की आज कोशिश करते हैं। तो पहले इस रिपोर्ट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट में पहली चीज ये कही गई है कि जो 95% प्रोजेक्ट हैं AI के, वो फेल हुए। क्यों फेल हुए, उसका कारण ये दिया गया है इस रिपोर्ट में। ये एक बढ़िया स्टडी की गई है जिसमें बताया गया कि जो लर्निंग गैप है ऑर्गेनाइजेशनल एडॉप्शन में, वो इसका एक बड़ा कारण है। क्या मतलब हुआ इसका लर्निंग गैप, यानी जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया गया, तो लर्निंग गैप था, यानी जिसको उसका इस्तेमाल करना था वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और जहां इंटीग्रेट करना चाहिए था, जहां करना चाहिए था, वहां ये ठीक से नहीं हुआ, इस कारण से ये फेल हुआ। एक ये भी बात कही गई कि मिस एलोकेटेड बजट्स टू सेल्स एंड मार्केटिंग। ज्यादातर पैसा जो AI इंटीग्रेशन पे खर्च किया गया है वो सेल्स और मार्केटिंग में खर्च किया गया, यानी उस वाली टीम के पास, यानी उस वाले जॉब फंक्शन में ज्यादा खर्च किया गया। कई फिगर्स चल रहे हैं, कोई कह रहा लगभग 40-45 बिलियन डॉलर्स पैसे इसमें लगाए जा चुके हैं और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। स्टार्टअप में है, तरह तरह की चीजें हो रही है। ये फिगर ओवरऑल है, किस कंपनी ने किया, कितने में किया, ये आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। लेकिन दूसरा रीजन क्या है, मिस एलोकेशन, यानी अगर आप अपनी कंपनी मान लीजिए आपकी, उस कंपनी में आप AI इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपने कहाँ इंटीग्रेट किया है ये इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर जो फेल प्रोजेक्ट है उसमें सेल्स और मार्केटिंग में किया गया। तीसरा कारण है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इन AI इम्प्लीमेंटेशन। AI को क्यों लगा रहे हैं आप अपने यहाँ, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, उसकी क्लैरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि दुनिया भर में, भारत सहित दुनिया भर में हर आदमी अब AI की बात करने लगा है। मैंने खुद कई सारे शोज किए हैं और इसका सिर्फ एक मकसद है कि आपको समझाया जाए कि AI का जो खतरा आने वाला है उससे आप कैसे निपटेंगे। लेकिन ये हमेशा होता है, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके साथ उसकी 10 गलत व्याख्याएं भी सामने आती हैं। ये जो रिपोर्ट है MIT की वो उसी तरफ दिखाती है कि उसके फेल होने के रीजंस देखिए आप, लर्निंग गैप है, कैसे अडॉप्ट किया जाए इसमें, मिस एलोकेशन ऑफ बजट है, और तीसरा स्ट्रेटजिक क्लैरिटी नहीं है कि AI क्यों लगा रहे हैं। ये तीन मेन रीजन थे जिसकी वजह से ये परिणाम आया कि 95% पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गए। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, स्टडी पढ़ते हैं। क्या कहती है स्टडी, ये स्टडी 150 इंटरव्यू किए गए, यानी जो जिसको पूछा गया वो 150 लोग थे, बिजनेस लीडर्स थे, कंपनियों के हेड थे या कंपनियों को चलाने वाले CEOs कह लीजिए, या मालिक होंगे कहीं के, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, ऐसे 150 लोगों से बातचीत के आधार पर स्टडी बनी है।
इसमें 350 एम्प्लॉइज को शामिल किया गया और 300 पब्लिक एआई डिप्लॉय जो किए गए थे उनका एनालिसिस किया गया। यानी पूरी स्टडी को बहुत डिटेल्स में समझने के लिए कि पहले तो 150 लोगों का इंटरव्यू किया गया जो चलाने वाले थे इससे, कंपनी के हेड से लीडर्स थे, 350 एम्प्लॉइज से बातचीत की गई उनको रखा गया, और 300 एंटरप्राइजेस थे जहां पे एआई इंटीग्रेट हुआ था उनको समझा गया। और इसमें क्या किया गया, हाईलाइट किया गया है इसमें पूरी स्टडी में कि एक डिवाइड है, एक गैप है। क्या है कि सक्सेसफुल एआई इंटीग्रेशन और इंस्टॉल्ड यानी जो रुक गए, फंस गए, काम नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे, उनके बीच में इस स्टडी में हाईलाइट किया गया। यानी ये स्टडी बताती है कि जहां पे सक्सेसफुल एआई लागू हुआ है उनकी क्या स्थिति है और जहां पे लागू नहीं हो पाया उनकी क्या स्थिति है। अब भैया समस्या ये है कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, काम करना नहीं आता आपको और दोष ये है कि साहब एआई बेकार है। तो ये एकदम अपने यहाँ जो कहावत है ना, नाच नावे आंगन टेढ़ा, जो आपको एआई इस्तेमाल करना नहीं आता, उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसमें फंसेंगे। स्टडी में आगे ये कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ जेन एआई बजट्स आर एलोकेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग डिस्पाइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिटर्न्स बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द बैक ऑफिस ऑटोमेशन। देखिए ये लाइन में ही वो छुपा हुआ है कि 50% से ज्यादा जो बजट है एआई इंटीग्रेशन का वो तो जा रहा सेल्स और मार्केटिंग में, लेकिन जरूरत है आपको बैक ऑफिस में, ऑपरेशंस में, जहां पे रियल काम होता, जहां पे काम होता। मोटे तौर पे आप समझिए सेल्स और मार्केटिंग क्या करता, माल बेच के आ गया, बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ किया, बेच के आ गए, डिलीवरी कहां से होगी, प्रोसेस से होगी, बैक ऑफिस से होगी। तो बैक ऑफिस के इंटीग्रेशन की बजाय ज्यादा पैसा उधर खर्च किया गया और इसकी वजह से ये दिक्कत आई। ठीक है, वही बात आ रही ना, नाच ना हुए आंगन टेढ़ा। दूसरा, बैक ऑफिस ऑटोमेशन इंक्लूड रिडक्शन इन बिजनेस प्रोसेस। क्या होता है बैक ऑफिस में, अगर आपने इंटीग्रेशन जब किया है तो आप बैक ऑफिस में करेंगे तो क्या होगा, उसमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होगी आपकी, लोअर एक्सटर्नल एजेंसी कॉस्ट होगी, यानी जो आप बाहर से काम उसकी कॉस्ट गिरेगी, एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। यानी बैक ऑफिस में अगर आप एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या, जैसे हम लोग क्या समझे, मान लीजिए टीवी चैनल हम लोग थे यहाँ पे, तो एंकर को आप समझ लीजिए सेल्समैन है ना, तो उसको सब कुछ समझा दिया गया। या हमारी एक्चुअल जो सेल्स टीम थी, मार्केटिंग टीम थी, बाहर गए कोई प्रोजेक्ट बेच के आ गए कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ऑन ग्राउंड इवेंट करेंगे। अब ये तो हो गया सेल्स का पार्ट, एंकर भी उसका एक क्वासी पार्ट हो गया सेल्स मार्केटिंग टीम, क्योंकि वो प्रेजेंटर है, लेकिन पीछे जो पूरी टीम है, जिसको रिसर्च करना है, जिसको सिस्टम लगाना है, जिसको कैमरा चलाना है, जिसको एडिटिंग करनी है, जिसको पीसीआर मैनेज करना है, उधर कुछ नहीं किया गया और बैक ऑफिस ऑपरेशंस में नहीं किया गया, आगे कर दिया गया, तो डिलीवरी तो उधर से होनी है, समझे आप। तो ये जो डिलीवरी वाला पार्ट था उसको मिस किया गया। फिर एक क्या है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, दिस मिस अलाइनमेंट सजेस्ट ए लैक ऑफ स्ट्रेटजिक क्लैरिटी इन हाउ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन एआई। कि एआई में अब एआई का भूत आ गया, एआई सब, हर कंपनी में तो एआई लगा रहा हूँ, हर कंपनी का आप देखो एआई सबके आगे एआई लिखा हुआ सबके आगे। अरे भैया एआई जानते भी हो आपकी कहाँ लगाना है, क्या करना है, वो ये ना कि वो डाबर आंवला तेल लाए रोटी लगाम खा लिया, वो वाली बात हो गई यहाँ पे। अरे एआई कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप समझिए, वो रिपोर्ट यही हाईलाइट करती है। तो ये उसकी हाईलाइट थी रिपोर्ट की कि क्या क्या दिक्कत आई। स्टडी में आगे कहता है कि सक्सेस इन एआई इंप्लीमेंटेशन इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ एआई टूल्स आर अडॉप्टेड। कैसे उनको अडॉप्ट किया गया, एआई का एजेंट क्या आपने बनाया, प्रॉम्प्ट क्या आपने रखे, कैसे उसके रिजल्ट को आपने फाइन ट्यून किया, डबल चेक कैसे किया, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं एआई के इंप्लीमेंटेशन के सफल होने में। तो ये ना करके दूसरी चीजें की गई, गलत इंप्लीमेंटेशन किया गया। उसके बाद क्या किया गया, सेकंड पॉइंट देखिए आप, परचेज टूल्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड वेंडर्स। जो एआई इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं, जिनको इसकी जानकारी है, जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रही हैं, जो आपके जरूरत के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगी, हजारों टूल हैं एआई के, कितने सारे आप देखिए, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, तो ग्रॉक है, बहुत सारे हैं, बीओ है, एवी है, मतलब सैकड़ों प्रोजेक्ट है। आपको क्या लेना है एग्जैक्टली, आपको क्या करना, आपको मान लीजिए एक इमेज बनानी है, अब एक इमेज बनती है उसमें आपको बहुत सारी चीजें डालनी है, या एक वीडियो बनता है उसमें बहुत सारी चीजें डालनी है, या आपको अपनी डिलीवरी सिस्टम को ठीक करना है, या आपको अपने
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर, तो हर एक के लिए अलग अलग टूल होंगे, तो एक स्पेशलाइज्ड वेंडर होगा जो जिसको मालूम होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो टूल करेगा। और यही आपने देखा कि जहां पे स्पेशलाइज्ड वेंडर और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की गई है उनका सक्सेस रेट 67% है। 95% क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने गलत इंप्लीमेंटेशन किया। और 67% सक्सेस रेट इसलिए था क्योंकि उन्होंने सही इंप्लीमेंट किया। और केवल एक तिहाई 1/3 सक्सेस रेट फॉर इंटरनली डेवलप्ड सिस्टम्स, और कुछ लोगों ने खुद ही डेवलप कर लिया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसका सक्सेस रेट 1/3 है, क्योंकि हर आदमी इस समय एआई एक्सपर्ट बना घूम रहा है, जिसको भी पूछो आप सब एआई एक्सपर्ट हैं, तो उसका सक्सेस रेट और ज्यादा कम है। तीसरा पॉइंट देखिए, द डेटा कंसिस्टेंटली शोज दैट द एक्सटर्नली सोर्स सॉल्यूशंस यील्ड मोर रिलायबल आउटसोर्स, यानी अगर आपने बाहर से सोर्स किया है सॉल्यूशन, एक्सपर्ट से लिया है, एजेंसी से लिया है, तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है और उससे ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस आप ले पा रहे हैं, इसलिए ये रिपोर्ट ये कह रही है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि किस तरह की तस्वीर बन रही है। अब अगला तस्वीर ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब हम पीछे जाएंगे मेन पॉइंट पे, जहां पे आता है नंबर 2 की स्लाइड, कि लर्निंग गैप है और इसको मिसकंडक्ट किया गया है, इसको लेकर के बहुत सारी खबरें और वीडियो ये बने माफ कीजिएगा कि बबल बन रहा है। अब बबल है या बूम है इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारी मेन थीम है। क्यों बबल है और क्यों बूम है ये आप समझिए। देखिए बबल किस सेंस में है, जब ये कहा जा रहा है कि एआई की वजह से बहुत सारी कंपनियों के ओवर वैल्यूएशन हो गए हैं, ये एकदम सही है। आप अगर एआई के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आप उनकी प्राइसिंग देखिए, ह्यूज प्राइसिंग है, मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाके कोई सब्सक्राइब करूं, कितने खरीदोगे यार आप, इतने महंगे महंगे, और सब डॉलर्स में प्राइसिंग हो रही है, महंगे बहुत महंगे, $200 $300 $150 पर मंथ, विच इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो हाइप क्रिएट है, तो उसकी वजह से लिस्टेड अनलिस्टेड जितनी भी जगह ना, वहां पे एक वैल्यूएशन का हाइप तो क्रिएट हो गया, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन है। लेकिन बूम में जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी फॉल्टी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी में, इस एआई की बूम धूम जो भी आप माने, उसमें गड़बड़ नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है, उसकी वजह से वैल्यूएशंस अनाप शनाप, मतलब हिटिंग द रूफ वाली बात हो गई यहां पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम सब यार, पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं, जब कोई नई चीज आती है तो एकदम पगला जाते हैं उसके लिए, बाद में उसका रेट कम होता है, एस कर्व बनता है। अब इसको कुछ लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये .com बबल जैसा बन रहा है, और इवन सैम ऑल्टमैन ने भी ये चेतावनी दी कि साहब इसमें एक बबल बन रहा है। बबल इसलिए बन रहा है क्योंकि वैल्यूएशंस एकदम अनाप शनाप हो रहे हैं, अंधा चल रहा है, कुछ भी जो मन बया वो बोल रहे हैं लोग, और इतने प्रोडक्ट हैं, इतने एआई एजेंट बन गए हैं, एआई एजेंट मतलब कोई आदमी नहीं है, एआई एजेंट एक टूल होता है, या इतने इस तरह तरह के जो प्रॉम्प्ट है, बेसिकली क्या है एआई को अगर आपको समझना है, बीट करना है, तो यू शुड बी वेरी ओरिजिनल थिंकर। कि अगर आपको कोई चीज बनानी, मैं अपने कोई भी वीडियो, कोई भी अपना टेक्स्ट मैं चैट जीपीटी से नहीं लेता हूं, मैं खुद मेहनत करता हूं, ढूंढता हूं, रिसर्च करता हूं, फिर लिखता हूं अपने हाथ से, क्योंकि आप डालो चैट जीपीटी में, आपको मिल जाएगा, 10 पॉइंट आ गए, फिर वो पूरी दुनिया के सारे वीडियो वही मिलेगा, तो डिफरेंशिएटर क्या है? इसलिए मैं मेहनत करता हूं कि नहीं, हमको उसको निकालना है, समझना है। तो ये रिपोर्ट भी एकदम उसी का नतीजा है, जिसको देखो वो सब बात बूम है कि बबल है एआई जैसा फट जाएगा, ये दिस इज रॉन्ग। एआई का बबल उसके वैल्यूएशंस को लेकर के है, टेक्नोलॉजी वाइज, इम्प्लीमेंटेशन वाइज, यूज केस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि एआई से दुनिया बदलने वाली है, प्रॉब्लम कहां पे है? वैल्यूएशन को लेकर के है। तो .com से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको .com एरा में ले चलता हूं। 2000 में जब .com 2002-2000 के बीच में जब .com बबल बस्ट हुआ था, तो क्या हुआ था? क्या इंटरनेट खत्म हो गया था? .com खत्म हो गया? टेक्नोलॉजी नहीं खत्म हुई थी। उसी के बाद गूगल जैसे जायंट पैदा हुए, उसी के बाद अमेजॉन जायंट पैदा हुए। ये जो बड़े लोग हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं, जो ज्यादा अच्छे समझते हैं, वो सर्वाइव करते हैं,
ये जो क्या कहते हैं बरसाती मेंढक टाइप के आ जाते हैं ना एआई के चक्कर में, वो मरते हैं। तो आप भी जरा इसको, इस खबर को इसी सेंस में समझिए कि जैसे कुछ लोग को यही कहना शुरू कर देंगे, अरे एआई कुछ नहीं है यार, सब बकवास, पुराने ढरे दुनिया चलेगी। गलती मत करिएगा, फंस जाएंगे आप। एआई में प्रॉब्लम नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन लोग गलत कर रहे हैं, उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं और बहुत ही गलत तरीके से उसको लोगों को समझा भी रहे हैं। इसलिए किसी समझदार आदमी से, पढ़े लिखे से, ढंग से उसको समझिए, तभी आप उसका बढ़िया यूज कर पाएंगे। वरना डॉट कॉम जैसी चीज होंगी तो आपको लगेगा टेक्नोलॉजी बेकार थी, डॉट कॉम बस्ट हो गया था, लेकिन उसी डॉट कॉम से, उसी टेक्नोलॉजी से जायंट पैदा हुए हैं। एआई में भी यही होगा। तो जो बबल की बात है वो सिर्फ वैल्यूएशन को लेकर के है, एआई में नहीं है। एआई इज वेरी गुड और वो आपकी हमारी जिंदगी बदलने वाला है। इस पर हम आगे शोज भी करेंगे तो आप देखेंगे। तो इसलिए आपको ये बहुत केयरफुल रहना है कि ऐसी खबरें सुन के भ्रमित मत होइएगा। इस रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है तो आप इसको ये मानते हैं, तो ये पूरी दुनिया के कंपनियों के लिए एक मिसाल है कि आप इसको देखिए, समझिए कि किस तरीके से ये हो रहा है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पूरा एक बबल है और एआई ही खराब है। एआई खराब नहीं है, उसकी वजह से कुछ बबेल जो वैल्यूएशन बन रहा है वो शायद खराब हो सकता है। आपने कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, आपको क्या लगता है ये बबल है कि यह बूम है, और जो भी है अपने कमेंट करके बताइए। फिर इसमें हम और आगे करेंगे। और अभी हमारा एक बहुत प्रतीक्षित शो आपसे, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 2030-32 तक आपकी दुनिया बदल जाएगी, वो जल्द ही आने वाला है। ट्यून इन रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।